हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर्यसन। आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो वीडियो मैं लेके आया हूं, ये वीडियो एक नई पोयम का है। नाइन्थ क्लास यूपी बोर्ड नाइन्थ क्लास के पोयम है, सिलेबस की। आई वाउ टू दी माय कंट्री। पोएट है सर सिसिल स्प्रिंग राइस। सर सिसिल स्प्रिंग राइस वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1859 एंड ही डाइड 1980। सर सिसिल स्प्रिंग राइस वॉज नॉट अ ग्रेट पोएट, बट व्हाट ही रोट इज फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म। उनकी जो भी पोएम्स हैं, कविताएं हैं, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति से भरी हुई है। सो He is well known for his patriotism. इसलिए अपनी देशभक्ति के लिए वो जाने जाते हैं, as if he were a patriot. मानो को कोई देशभक्त थे और देशभक्ति पूर्ण ही कविताएं उन्होंने लिखी है। ये जो पोयम है, वेरी शॉर्ट पोयम है, लेकिन फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म, एकदम देशभक्ति से परिपूर्ण। कहीं एक शब्द भी ऐसा नहीं हो जो देशभक्ति या मातृभूमि के प्रेम से कहीं इधर उधर की बात की गई हो। I vow to thee my country. इसका अर्थ I vow, वो मैंने प्रतिज्ञा कर, ओ मेरे देश, my country, मेरी मातृभूमि, मेरा देश, मैं तुम्हें सब कुछ अपना न्यौछावर करता हूँ। न्यौछावर करने का वचन देता है, वाई वाओ टेक प्रॉमिस, मैं वचन देता हूँ। टू दी मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, तुम पर मैं सब कुछ न्यौछावर करता हूँ। यही भाव है इस पोयम की टाइटल। पूरी पोयम में कवि ने अपने देश को आश्वस्त किया है कि वह अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। एवरीथिंग ही कैन सेक्रीफाइस फॉर हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी न्यौछावर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात होती है अपनी लाइफ, अपना जीवन होता है, अपना प्राण होता है, और कवि उसके लिए तैयार है कि अनडाउंटेड, निर्भीकता पूर्वक, फियरलेसली He is ready to sacrifice everything. वह निर्भीकता पूर्वक सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। आइए हम एक एक लाइन आपको पढ़ाते हैं, बताते चलते हैं कि ये जो कुल पोयम 6 लाइन्स की पोयम है, तो इस पोयम का क्या भाव है, एक एक लाइन में पढ़ के आपको एक्सप्लेन करते चलता हूँ। उससे पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को जरूर दबाएं। पहली लाइन में पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट लाइन देखिए, आई वाउ टू दी माई कंट्री ऑल अर्थली थिंग्स एवर। क्या भी कहता है, आई वाउ, मैं वचन देता हूँ। आई प्रोमिस, ओ माई कंट्री, हे मेरे देश, मेरी मातृभूमि, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि ऑल अर्थली, सारी सांसारिक वस्तुओं से यू आर एवर, तुम सर्वोपरि हो, मेरे लिए सबसे ऊपर हो। क्योंकि हमारे जीवन में संसारिक बहुत सी वस्तुएं हैं, धन दौलत है, अपनी एम्बिशन है, महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, जिम्मेदारियां बहुत सी हैं, लेकिन कवि क्या कहता है कि यू आर एबव, तुम ऊपर हो। अगर कंपैरिजन के लिए तो कहता है कि ऑल अर्थली थिंग्स, सारी अर्थली मतलब वर्ल्डली, इस संसार में जितनी वस्तुएं मेरे पास है, मैं वचन देता हूँ कि यू आर एबव, तुम ऊपर हो, तुम सर्वोपरि हो, सर्वोच्च हो, और ये मैं वचन देता हूं तुम्हें। आगे कहता है इंटायर होल परफेक्ट, तीन शब्द है समझिए, संपूर्ण पूर्ण, कहीं कमी नहीं है, कहीं मेरे प्रेम एक प्रतिशत भी कभी छिपा के नहीं रखता है। कहता मैं आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, आई वाउ टू सेक्रीफाइस होल लव, मैं संपूर्ण प्रेम तुम्हें देता हूं। और कैसा प्रेम का परफेक्ट पूर्ण, कहीं कमी नहीं है, डिफेक्ट नहीं है। द रिव्यू ऑफ माय लव, मैं अपने पूरे प्रेम को, टोटल अपना जो प्रेम है देशभक्त, देश के लिए देश प्रेम है, आई एम रेडी टू गिव यू, टू डेडिकेट यू, मैं समर्पित करता हूं तुम्हें, अपना संपूर्ण प्रेम तुम्हें समर्पित करता हूं, संपूर्ण प्रेम देता हूं,
सारी अर्थली चीजें, जितनी सांसारिक चीजें मुझे मिली है मेरे जीवन में, लेकिन सारी सांसारिक चीजों से तुम सर्वोच्च हो। यू आर द सुप्रीम, मेरे लिए तो तुम सुप्रीम हो। यू आर द बेस्ट, द लव। और जो मेरा देश प्रेम है, कवि का कहते कैसा देश प्रेम है, का द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, जहां कोई प्रश्न नहीं पूछता। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डायलेमा, कोई दुविधा नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। माई लव इज परफेक्ट एंड हैज नो क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है इस प्रेम में। और द लव दैट स्टैंड्स द टेस्ट, जो कसौटी पर खरा उतरता है, इट इज टेस्टेड, का टेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट जब इसका किया जाए तो मैं फेल हो जाऊं, मेरा देश प्रेम फेल हो जाए, मेरी देशभक्ति, मेरा समर्पण, डेडिकेशन, मेरा समर्पण फेल हो जाए। कहीं नहीं, फेल नहीं हो सकता, इट इज टेस्टेड। माई लव फॉर मदरलैंड इज टेस्टेड, मातृभूमि के लिए जो मेरा प्रेम है यह परीक्षित है, इसका टेस्ट किया गया है, इसमें कहीं डाउट नहीं है, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। The life that lays upon the altar the dearest and the best, that lays upon the altar, altar मतलब बलिवेदी, बलिवेदी। आप देखे होंगे किसी ऐसे मंदिर पर जाइए जहाँ की बलि होती हो, एक बेदी बनी रहती है वहां, जिसकी बलि करनी हो, और जैसे नारियल की बलि देनी हो, किसी पशु बलि देनी हो, तो वहां रख करके उसको काट दिया जाता है। या तुलसी का चौरा देखे होंगे, वहां बेदी बनी रहती हो पूजा पाठ करने के लिए, तो उसी देश की बेदी होती है। तो देश की बलि बेदी क्या कहीं ऐसा नहीं कि बना हुआ है, वो देश की बेदी है। यह मतलब क्या है बेदी से कवि का, कि दैट लेज अपॉन द अल्टर, जो देश की बलि बेदी पर, अगर हमारी देश हम मानते हैं भारत माता, हमारी देश हमारी मातृभूमि है, इस मातृभूमि की बेदी पर आई एम रेडी टू ले, आई एम रेडी टू पे, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। और क्या बलिदान दूंगा देश के लिए, कहा माई डियरेस्ट थिंग, मेरी सबसे प्रिय वस्तु, मेरे जीवन की जो डियरेस्ट होगी एंड द बेस्ट, और जो बेस्ट होगी, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस एवरी थिंग ऑन द अल्टर ऑफ माई मदरलैंड, मैं मातृभूमि की बेदी पर अपनी सबसे अच्छी सबसे प्यारी वस्तु को बलिदान करने के लिए तैयार हो। फिफ्थ लाइन में कहता द लव दैट, मेरा जो प्रेम है, नेवर फाल्टर्स, कभी हिचकिचाता नहीं है, नेवर सैकल, नेवर सैक, नेवर मूव, नेवर ट्रेम्बल, का कभी कांपने वाला नहीं है। द लव दैट नेवर फाल्टर्स, कभी हिचकिचाने वाला नहीं है, कभी कांपता नहीं है। लव दैट पेज द प्राइस, वह लव, मेरा प्रेम है, देश प्रेम है, जो उसकी कीमत चुकाता है। मतलब क्या है, आई एम रेडी टू पे द प्राइस ऑफ माई लव, मैं अपने देश प्रेम की कीमत देने के लिए तैयार हूं, कभी संकोच नहीं है। देर इज नो डाउट, देर इज नो हेजिटेशन, कहीं हेजिटेशन नहीं है। आई एम रेडी, फियरलेसली आई एम रेडी। और सत्य भी है, अगर आप देश से प्रेम करते हो तो आपकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर देखना चाहे तो अपना इतिहास देखिए, देश के जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, सुभाष चंद्र बोस जी हो, भगत सिंह रहे हो, आजाद रहे हो, जितने लोग भी रहे हैं, उन्होंने देश से प्रेम किया और देश के लिए बलिदान हुए, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। अगर आप देशभक्त हैं तो तभी नाम अमर होता है, और देशभक्त कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है। इसलिए कभी अपने देश को प्रॉमिस कर रहा है, ही टैक्स वाउ, ही प्रॉमिसेस हिज कंट्री दैट ही विल नेवर फाल्टर टू सेक्रीफाइस, कभी संकोच नहीं करेगा, कभी पैर नहीं डगमगाएंगे बलिदान करने में, वो देश प्रेम की कीमत चुकाने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू पे द प्राइस। लास्ट में कहता द लव दैट मैक्स, मेरा देश प्रेम, ओ मेरे देश, मेरी मातृभूमि, आई प्रॉमिस यू, आई वाउ, मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, दैट माई लव अनडाउंटेड, निर्भीकता पूर्वक, फियरलेसली, द फाइनल सेक्रीफाइस, अंतिम बलिदान में भी मैं दूंगा,
अंतिम बलिदान क्या है? द सेक्रीफाइस ऑफ आवर लाइफ, जीवन का बलिदान। द पोएट इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को भी तैयार है। ये कवि का वचन है अपनी मातृभूमि से, अपने देश से। एक बार फिर मैं सारांश इसका बता देता हूँ, फिर से देख ले। पहली लाइन में कवि क्या कहता है कि आई वाउ टू दी माई कंट्री ऑल अर्थली थिंग्स एवब, ओ मेरे देश मैं तुम्हें वचन देता हूँ सब कुछ न्यौछावर करने का अर्थ ऑल अर्थली, सारी सांसारिक चीजों जो इस वर्ल्डली चीजें मैं सबको न्यौछावर कर दूंगा तुम पर। यू आर एवब दैन एवरीथिंग, सबसे ऊपर हो तुम, इंटायर होल परफेक्ट रिव्यू ऑफ माई लव, आई एम रेडी टू डेडिकेट यू माई परफेक्ट लव, माई होल लव, मैं पूरा प्रेम, संपूर्ण प्रेम, शुद्ध प्योर अपना प्रेम तुम्हें दूंगा। द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, द लव दैट स्टैंड द टेस्ट, मेरे प्रश्न, मेरे प्रेम में कहीं कोई संकोच नहीं, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, और मेरा वह प्रेम है जो कसौटी पर खरा उतरता है। टेस्ट के लिए एनी वन कैन टेस्ट माई लव, कोई भी मेरे देश प्रेम का टेस्ट ले सकता है। इट इज टेस्टेड, यह टेस्टेड है, जैसे कोई आप सामान लेते हो इलेक्ट्रॉनिक लिखा था टेस्टेड, मुहर लगी रहती है, टेस्टेड है, कहीं इसमें डाउट नहीं है। और कहता है द लव दैट लेज अपॉन द अल्टर डियरेस्ट, और आई एम रेडी टू पे, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस माई बेस्ट एंड डियरेस्ट थिंग फॉर माई मदर लैंड, अपनी मातृभूमि के लिए मैं अपनी सबसे अच्छी और सबसे प्रिय वस्तु को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। द लव दैट नेवर फाल्टर, द लव दैट पेज द प्राइस, और मेरा प्रेम कभी संकोच नहीं करता, हिचकिचाता नहीं है, कहीं हेजिटेशन नहीं है, और यह इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी टू पे द प्राइस का, मैं तैयार हूँ कीमत चुकाने के लिए, देश प्रेम की कीमत। और अंत में तो इतना कह देता है कि द लव, ओ माई कंट्री आई प्रोमिस यू दैट मैक्स अनडाउंटेड द फाइनल सेक्रीफाइस, में निर्भीकता पूर्वक अपने जीवन का भी बलिदान कर दूंगा, अंतिम बलिदान कर दूंगा। आई विल सेक्रीफाइस फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं अपने आप को बलिदान कर दूंगा, बिकॉज माई लव इज ट्रू लव फॉर द कंट्री, का देश के लिए जो मेरा प्रेम है ट्रू लव है, टेस्टेड है, प्योर है, परफेक्ट है, एंड आई एम रेडी टू पे द प्राइस, और मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। ये इस कविता का सारांश रहा, इसकी एक्सप्लेनेशन रही मैंने कर दिया। तो थोड़ा सा इसके राइमिंग वर्ड्स को भी हम देख लेते हैं, जैसे एबव और लव, अगर आप दो चीजें होती है, एक राइमिंग स्कीम होती है, एक राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो हाई स्कूल में हम वर्ड्स को ही लिखते हैं। मान लीजिए इतना आया तो इसको लिखेंगे एबव राइम्स विद लव, मिला एबव लव, एक हुआ टेस्ट राइम्स विद बेस्ट, प्राइस राइम्स विद सेक्रीफाइस। अगर आप राइमिंग वर्ड में लिखना चाहते, स्कीम लिखना चाहते हैं, देखिए ऐसे होगा, इसका नाम हमने एबव का ए रख दिया, इससे मिलता जुलता लव है तो इसका भी नाम हमने ए रख दिया, अब ये दूसरा आ गया इसका नाम बी रख दिया, ये भी बी हो गया, ये अलग उच्चारण है तो इसका सी, तो इसका राइमिंग स्कीम हुआ ए ए बी बी सी सी, इस तरह इसकी राइमिंग स्कीम हुई, एक कविता कंप्लीट हुई। आशा है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पोएम।